नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। चोराटा थाना अंतर्गत उमरी गांव में टू सीटर विमान देर रात हुआ क्रैश, ट्रेनर की हुई मौत, ट्रेनी गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। एडीजी और कमिश्नर रीवा ने उच्च स्तरीय जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। थाना चोराटा अंतर्गत उमरी गांव में बीती रात लगभग 11 से 11:30 के बीच दो सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें प्रशिक्षु पायलट सोनू यादव बच गए हैं, वहीं ट्रेनर विमल यादव की मौत हो गई। टू सीटर प्लेन पहले एक पेड़ से टकराया, उसके बाद मंदिर के गुंबद से टकराता हुआ जमीन में गिर गया। मौके पर पायलट की मौत हो गई, जबकि प्रशिक्षु का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ट्रेनी प्लेन में कैप्टन विमल की मौत हो गई है। मुंबई से शाम तक पहुंचेगी टेक्निकल टीम, जांच के बाद होगा खुलासा किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में सनाका खींचा, मौके पर पहुंचे लोगों ने प्लेन में फंसे पायलट को बेल्ट काटकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी पुलिस को हुई, मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया। मौके पर रीवा कमिश्नर और एडीजी रीवा भी पहुंचे, उनसे हमारी टीम ने बात की। उनका साफ तौर से कहना था घटना के कारणों की उच्च स्तरीय जांच के बाद जो भी उचित होगा वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। नमस्कार, मैं जावेद, मैं मौजूद हूं रीवा के चोराटा हवाई अड्डे के पास उमरी नामक जगह पर, जहां बीती रात एक हादसा हो गया। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक मंदिर दिखाना चाहूँगा। मंदिर का गुंबद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे होंगे, गुंबद टूट के गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ चोराटा हवाई पट्टी से रात 11 से 11:30 के बीच एक विमान उड़ता है जिसमें दो लोग सवार थे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, विमान के हालात ये बताने के लिए पर्याप्त हैं। हादसा कितना गंभीर था, कितने बुरी तरीके से यह हादसा हुआ, जिसमें जो ट्रेनर थे विमल, कैप्टन विमल, उनकी मौके पर ही यहां पर मौत हो गई थी। दूसरे जो प्रशिक्षु पायलट थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके घर में ये हादसा हुआ, इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था कल रात को। 11:30 बजे करीब प्लेन क्रैश हुआ है। हम लोग अंदर सो रहे थे, अचानक आवाज़ आई जोर से, हम लोग निकल के देखे तो यहाँ पे प्लेन पड़ा हुआ था, दोनों पायलट फंसे थे उसमें प्लेन में। तो और बस्ती से पब्लिक बुला के पायलटों को निकाला और हवाई पट्टी में सूचना दिया जहाँ से ये लैंडिंग करते हैं, और फिर इनको संजय गांधी हॉस्पिटल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। जब आपने पायलटों को निकाला उस समय दोनों पायलट ठीक थे, जीवित थे? एक पायलट जीवित थे, एक एक्सपायर हो चुके थे उसी साल, एक पायलट उस जीवित थे। जब निकाला एक पायलट जीवित थे, दूसरे की वहीं पर मौत हो गई थी, इसका सीधा सा अर्थ है जब ये विमान जमीन से टकराया, मंदिर से टकराने के बाद एक पायलट की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल थे, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आपने अपना नाम नहीं बताया। चंद प्रताप सिंह। ये थे हमारे साथ चंद प्रताप सिंह, जिनने जिन्होंने सबसे पहले जिनके घर के दरवाजे के बाहर ये विमान यहाँ पर गिरा था, उन्होंने सबसे पहले पायलट को निकाला। एक पायलट तुरंत ही अस्पताल भेजे गए, दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब संजय गांधी अस्पताल में पायलट की क्या स्थिति है, कोशिश करूंगा आपको वो भी दिखाने की। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। ये एक्चुअली ये जो फैल्कन एविएशन एकेडमी है, यहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं नया पायलट्स को। ये इनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट था सेशना, वो कल शायद वो ट्रेनिंग में गए थे और ट्रेनिंग के दौरान लेट हो गया वो, रात में 11:30 के अराब ये लैंडिंग करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो शायद काफ़ी फॉग था, कोहरा था, काफ़ी राउंडिंग लेके लेके प्रयास कर रहे थे कितने के लिए। एयरपोर्ट के जस्ट पहले मतलब से 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने उनको एमरजेंसी लैंडिंग करना होगा।
डिफिकल्टी लैंडिंग हुआ है इसमें गांव में, गाँव वालों को कोई नुकसान नहीं हो, मगर जो ट्रेनर है जो कुमार है हो गई, और जो ट्रेनी ले रहा ट्रेनी है सोनू यादव डेंजर है, इसमें जो भी हम ब्रिज लाइन पर जी वो एक उसी तरह के बॉक्स रहता है, वो सिक्योर्ड है, वो इंक्वायरी होता है। जैसा अभी आपको अभी एडीजीपी साहब ने बताया है कि किस प्रकार से ये कल रात की घटना है, और इसमें जो ट्रेनर है विमल कुमार उनकी डेथ हो गई है, वो जो ट्रेनी हैं वो अभी हाल में हैं, और डीजीसीए से कांटेक्ट हो गया है और उनकी टीम भी आ जाएगी और विधिवत इसकी जांच होगी, और जांच उपरांत इस पर जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से आपने पाँचवीं तक की स्कूल की छुट्टी कर दी, कोहरे का मौसम, इस तरीके से रात को हवाई जहाज उड़ना, क्या इनको आप किसकी गलती मानेंगे? वो डीजीसीए की टीम जो आएगी वो जांच करेगी, जांच उपरांत सब निष्कर्ष उसमें प्राप्त होंगे, ठीक है, अभी कुछ भी कह देना उचित नहीं होगा, जांच उपरांत ही इस पर किसी चीज़ पे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।